नमस्कार साथियों, स्वागत है पवन टेक्निकल चैनल पर। देखिए आज हमारे साथ है एक एम्पलीफायर आहूजा TZS 7000 DP। इस मॉडल में डीपी का मतलब ये होता है जिसमें डिजिटल प्लेयर होता है आहूजा के, जिस भी मॉडल में उसका जो सीरियल नंबर होता है उसके आगे डीपी लगता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। कनेक्शन लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे ऑन तो हो गया है, पावर आ गया है इसमें, पर क्या चीज़ नहीं चल रही है वो देखिए आप। एक तो जोन बी का एलईडी नहीं आ रही है, जोन ए की आ रही है ऑन की। इस पर ना तो ओवरलोड की आ रही है ना ऑन की आ रही है। इसी तरीके से इसमें जो यहाँ पर ऑन की जो एलईडी आनी चाहिए जोन को ऑन ऑफ करने पर, वो भी नहीं आ रही है। स्पीकर बॉक्स की और ड्राइवर यूनिट में से एक आनी चाहिए, ये भी नहीं आ रही है। मतलब यूँ बोल सकते हैं कि जोन बी है वो कम्प्लीटली बंद है और जोन ए है वो चालू है। लेकिन मैंने जैसा कि इसमें देखिए डिजिटल प्लेयर कनेक्ट किया हुआ है, अब मैं जोन ए अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें भी कोई साउंड नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जोन बी में पावर नहीं आ रहा है, और पावर नहीं आ रहा है तो इसका साउंड भी नहीं आएगा, और जोन ए में पावर आ रहा है लेकिन साउंड नहीं बन रहा है। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम है। तो आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं इसमें किस तरह की क्या प्रॉब्लम है। आइए पहले जोन ए देख लेते हैं, क्योंकि जोन ए में एलईडी आ रही है ऑन है जो कि, और देखिए जोन ए में बिल्कुल म्यूट है। तो हमारा सबसे पहला जो डाउट होता है वो ड्राइवर बोर्ड पर ही होता है। ठीक है, ये आपका ड्राइवर बोर्ड जोन ए के लिए है और ये ड्राइवर बोर्ड जोन बी के लिए। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या है। देखिए कार्ड खोल लिया है, प्रॉब्लम इसमें ही लग रही है। देखिए एक तो ये रेजिस्टेंस पूरी तरह से जला हुआ है, एक ट्रांजिस्टर भी जला हुआ है ये बेल का 4007, और ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो गया है। सबसे पहले जो चीज़ ख़राब है वो हम एक बार डालेंगे इसमें, ये रेजिस्टेंस रिप्लेस करेंगे और ये दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर लेते हैं। देखिए ये ख़राब जो 4007 है बेल के, ये दोनों ट्रांजिस्टर हमने निकाल लिए हैं और इसकी जगह हम ये 4007 नए दोनों लगाने वाले हैं। तो ये लगा लेते हैं और इसी के साथ में रेजिस्टेंस जो हमारा जला हुआ था 3.3 ओम का, ये भी हम 33 ओम का इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं। हाँ साथियों, ये अब चेंज कर लिए गए हैं दोनों ट्रांजिस्टर, और ये देखिए ये 33 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो भी रिप्लेस कर दिया है, दोनों ट्रांजिस्टर चेंज कर लिए हैं। अब देखें आइए इसको अपन ऑन कर लेते हैं एक बार। हाँ साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ये वाला जब शुरू में मैंने बताया था तो ऑफ आ रहा था ये, तो इसकी प्रॉब्लम तो मिल गई मुझे, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं था। इसमें सिर्फ ये जो रेजिस्टेंस लग रहा है यहाँ पे, ये 150 ओम का रेजिस्टेंस है, ये ओपन पड़ा हुआ था, लूज ड्राई सोल्डर की वजह से निकल गया था। तो सिर्फ इसको सोल्डर करने से ये जोन तो हमारा ओके हो गया है। तो ठीक है, इसमें तो कोई विशेष नहीं है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, जिस जो ट्रांजिस्टर वगैरह रिप्लेस कर लिए हैं इस जोन में, तो देखते हैं इसका साउंड। देखिए साथियों, इसमें साउंड आ गया है लेकिन साउंड एकदम क्लियर नहीं है। हो सकता है आपको जो ऑडियो उसमें मिले, आप जब चलाएं अपने मोबाइल या लैपटॉप में, तो हो सकता है आपको इतना आइडिया नहीं लगे। आप ईयरफोन लगा के अगर सुनेंगे तो आपको शायद आइडिया लगेगा,
एकदम क्लियर नहीं है, तो देख लेते हैं क्यों क्लियर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो आइए सबसे पहले इसके ड्राइव वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसका मैंने बॉडी से ग्राउंड ले लिया है, इस तरीके से बॉडी से, बॉडी से आप नहीं लें तो प्रॉपर ग्राउंड भी ले सकते हैं। अगर बॉडी यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो, आपको लगे कि नहीं एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसका और कहीं से भी ग्राउंड ले सकते हैं। तो देखिए ड्राइव वोल्टेज के लिए बेस पे जाने वाला जो दोनों वायर होते हैं, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर के बेस पर ही ड्राइव वोल्ट चेक करते हैं, तो देखिए ये येलो वाला वायर जो है आपका, ये वाला, ये येलो वायर जो दिख रहा है इस जगह पे, ये बेस का वायर है जो कि यहाँ से जा रहा है, और एक हमारा ऑरेंज वायर है जो ये रहा, ये इस तरफ बेस पे जा रहा है, ये देखिए। तो हम इस जगह इसको प्लेट पे देख लेते हैं इनकी सप्लाई ड्राइव वोल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए ये येलो वाला भी देख लेते हैं पहले, ये देखिए 0.59 आ रहा है, 0.5 के आसपास ही है, ठीक है ये, और सेट करना भी हुआ इसको तो बाद में करेंगे, अभी देखिए आप 0.59 आ रहा है। और दूसरा हम इधर लगाते हैं ऑरेंज वाले पे, तो ये तो ड्राइव वोल्ट तो नहीं आ रहा है, तो देखिए आप इस पे 17 वोल्ट आ रहे हैं पूरे, जो कि गलत है, हो रहे हैं। तो अब हमको देखना ये होगा कि ये वोल्ट कैसे आ रहे हैं और इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्विच ऑफ करके इसका जो ऑरेंज वायर है इसके बेस से रिलेटेड, इसको हम एक बार अलग कर लेते हैं। देखिए इसको अलग कर लिया है हमने, अब ऑन करके एक बार और वोल्टेज इसी पॉइंट पे हम वापस मेज़र करते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पे यही 17 वोल्ट मिल रहे हैं अलग करने के बाद भी। तो हम देख लेते हैं अभी ट्रांजिस्टर, वैसे तो नया लगाया है हमने, तो ट्रांजिस्टर का वापस से कुछ फॉल्ट हो रहा है या कुछ और लीकेज की वजह से हो रहा है, तो इसको हम एक बार चेक करते हैं क्या आगे देखना है। एक देखिए इसमें जो ये ग्रीन वायर और है इसमें, इस जगह ये वाला आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं जूम करके बताता हूँ थोड़ा, ये जो ग्रीन वायर है, ठीक है, ये जो ग्रीन वायर है ये आपका जो एमिटर रेजिस्टेंस है उसकी जो प्लेट है ये वाली, उससे आ रहा है। देखिए मैं एक बार इसको कंटिन्यूटी मोड पे दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम एक बार इस पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। हर स्टेप को आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा बारीकी से देखें तो काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा। देखिए इस पे भी वही सेम 17 वोल्ट आ रहे हैं। देखिए जो ग्रीन वायर है इसके ऊपर जो वोल्टेज हमको मिल रहे हैं 17 वोल्ट, ये एक्चुअली इस जगह से आ नहीं रहे हैं, ये हमको यहाँ पे किसी वजह से मिल रहे हैं। अब क्या वजह है ये अपन देख लेते हैं। तो ये जो चार रेजिस्टेंस हमारे दिख रहे हैं, चार एक साइड हैं और चार दूसरी तरफ से हैं, तो ये जो ग्रीन वायर है ये हमारा
रेजिस्टेंस का जो आउटपुट सिरा होता है, जो कि हमारे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए चार रेजिस्टेंस इस तरफ हैं, ठीक है। तो ये जो चारों रेजिस्टेंस हैं, इनका एक एक सिरा है वो ट्रांजिस्टर से जुड़ा होता है, ऑडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारे जो 5200 लगे हुए हैं। और जो दूसरे सिरा है जो कॉमन होके, वो इस आउटपुट ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए मैं आपको थोड़ा क्लोज से बता देता हूँ, ये जो ब्लू वायर दिख रहा है आपको, ये हमारा जो रेजिस्टेंस हैं ये वाले, इनके चारों एक सिरे जो कॉमन हो जाते हैं, चारों जो एक एक सिरे हैं वो तो हमारे कलेक्टर एमिटर से जुड़े हुए हैं, और दूसरे जो सिरे हैं वो कॉमन होके उससे जुड़े होते हैं, इससे ट्रांसफार्मर से, आउटपुट ट्रांसफार्मर से। और इसी तरीके से देखिए, इस तरफ जो चार रेजिस्टेंस है, सेम इसमें भी यही चीज़ होती है, इनके भी चार तो ट्रांजिस्टर से जुड़े होते हैं और कॉमन होके एक सिरे है, चार सिरे जो कॉमन होके ये इसके आउटपुट ट्रांसफार्मर से जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये कनेक्शन होते हैं, टोटल 8 आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं, चार के लिए ये चार रेजिस्टेंस एक तरफ लगे होते हैं, चार उस तरफ लगे होते हैं। ये देखिए आप, ये जो ग्रीन वायर जो है, ये सब एमिटर से जुड़े हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये जो वायर जो हमारा है ग्रीन वायर, देखिए ये लगा हुआ है इस जगह पे पतला वाला। अब इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर, ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। देखिए इसके जो बीच वाला जो ब्लैक वायर है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस वजह से जब भी इसमें ड्राई वोल्टेज जिस जगह हमारे क्रिएट होते हैं, वो एक्चुअली उस बेस पे ही बनते हैं जब हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर पूरी तरह से इसके जो रेजिस्टेंस हैं इनसे कनेक्टेड हो और लोड पर रहे। तो हम इसको भी देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है ये। तो लगता है इस कार्ड को बाहर निकालना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस वाले को, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम मिलनी चाहिए। आइए देख लेते हैं, खोल देखिए, इसको ओपन कर लिया है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि खोलते से प्रॉब्लम हमको उसमें दिख गई है। ये देखिए यहाँ पे ट्रैक पूरा ये जला हुआ है बुरी तरह से, ठीक है। तो ये वजह थी कि यहाँ पे हमारे वोल्टेज जो हैं वो 17 वोल्ट हमको मिल रहे थे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। इन सब से एक एक ग्रीन वायर लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो हमारा जो इस साइड का जो इस साइड के जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसमें से देखिए, ये एक ट्रांजिस्टर जो है, एक ट्रांजिस्टर ये सामने है, देखिए थोड़ी लाइट की कमी है, पर अगर आपने 700 वाट का ये एम्प खोला हुआ है पहले तो आप समझ जाएंगे। और दो ट्रांजिस्टर हैं, एक ये वाला ट्रांजिस्टर है इस जगह पर और एक इसके नीचे और है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर चार ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। तो एक और दो दूसरा इसके नीचे है, वैसे के वैसे ही प्लेट के नीचे छुप रहे हैं, तो ठीक है, वो तो आप समझ जाएंगे, आपने खोला होगा। और नहीं खोला है तो कभी आप खोलेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी आप समझ लें इस प्लेट के बारे में। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये तो चार हो गए हमारे, जो चारों आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं हमारे मेन एम्पलीफायर के, उनके एमिटर पे जा रहे हैं ये, ठीक है, उनके एमिटर से यहाँ पे आ रहा है। और ये जो इन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे 0.39 के 15 वाट के, ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो एक यहाँ से यहाँ फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर थर्ड है और ये फोर्थ है। तो चारों पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस के जो अगले सिरे हैं ये सब कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉमन हो के ये लाइन जो आ रही थी यहाँ से, जो कि ओपन हो गई है, ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा, ये जो ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है एक मोटा वाला, वो इस आउटपुट ट्रांजिस्टर पे जा रहा है हमारा, सॉरी आउटपुट ट्रांसफार्मर पे जा रहा है, ठीक है, जो कि हमारा लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर है LMT टाइप। तो अब क्या हुआ, ये ओपन हो गया। तो जो मैं आपको बात कर रहा था, ये अगर जब ओपन नहीं होता है तो ये क्या होता है, लोड पे चलता है,
ये पूरा सेक्शन जो है हमारा सर्किट वो लोड पे आ जाता है। लोड पे आ जाता है तो वो जो वोल्टेज होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं और वहाँ पर जो प्रॉपर हमको जो ड्राइव वोल्टेज मिलने चाहिए वो मिलते हैं। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक जम्पर लगाते हैं और फिर देखते हैं हमारा वोल्टेज ड्रॉप होके ड्राइव वोल्ट क्या प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए हमने ये जम्पर यहाँ पर लगा दिया है, ये देखिए। तो अब हम इसको एक बार चालू करते हैं इसी कंडीशन में रखते हुए और ड्राइव वोल्ट चेक करते हैं। तो देखिए ऑन कर दिया है, ट्रांजिस्टर पे चेक कर लेता हूँ मैं। ये देखिए 0.5 ड्राइव वोल्ट आ गए हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर भी अब 17 वोल्ट आ रहे थे हमारे दोनों पे पिनों पे, ग्रीन वाले फोर्स पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट के आसपास आ गए हैं और ड्राइव वोल्ट हमारे 0.5 आ गए हैं। तो अब एक बार इसको साउंड के साथ में ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। Saying that the talks were held in a cordial atmosphere, Mr. Tomar hoped that a consensus will be arrived at soon. He added that the government suggested... बिल्कुल क्लियर साउंड हो गया है, तो सही हो गया है वैसा लग रहा है ये 100%। तो देखिए आपने फॉल्ट को समझा है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके की वीडियो मैं आगे और भी बनाता रहूँगा आपके लिए। और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले वीडियो के लिए। तो वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, थैंक्स।